देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई के दिन मतदान होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस समय हम लोग जिस सीट पर मौजूद हैं, सबसे हॉट सीट है दिल्ली की, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये सीट है। कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कल यानी कि शुक्रवार को कन्हैया कुमार पर एक थप्पड़ मारा गया फूल की माला पहनाने के बहाने, और फिर उसके बाद में पूरी दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। इस थप्पड़ की गूंज दिल्ली की जनता के कानों में सुनाई दे रही है, मतदाताओं को प्रभावित कर रही है, चैनल्स पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में चल रही है, सियासी बयानों में चल रही है। लेकिन क्या कहती है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की वो जनता कि आखिर क्या कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा गया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में, वही जनता से पूछते हैं वो लोग इस वाक्य को किस तरह से देखते हैं। सर, आप लोगों की लोकसभा है, किस तरीके से आप लोग इस पूरे के पूरे वाक्य को देखते हैं? कन्हैया कुमार को कल आप ही की लोकसभा में यहाँ से चंद कदम की दूरी पर थप्पड़ मारा गया। देखिए, जहाँ तक थप्पड़ मारना है वो तो बिल्कुल गलत है इस तरह, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और एक राष्ट्रीय पार्टी का क्या नाम जो है कैंडिडेट है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। लेकिन उनके कर्तव्य कुकृत ऐसे हैं जो पीछे लोगों में रोष है, ऐसे आदमी को नहीं उतारना चाहिए था, अब उतारा है तो उसके बाद अगर उन्होंने कर दिया किसी कार्यकर्ता ने जोश में आके, तो कोई बात नहीं, उसका अपना मन है, उसने अपने मन की बात निकाल ली है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मान लो कोई भी आदमी गलत आदमी हारा है हमारे सामने तो गुस्सा तो आता ही है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उसके कृत्य ऐसे हैं लेकिन जिसने थप्पड़ मारा उसका अपना मन है, लेकिन आप थप्पड़ मारने को गलत कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे थप्पड़ मार के अपने आप ही हम डिसीजन ले लेंगे तो फिर जनता क्या करे, क्या हो सकता है फिर चुनाव की। कन्हैया कुमार कह रहे हैं युवाओं की आवाज़ है, तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि को थप्पड़ मारा गया, कैसे देखते हैं आप? देची दर्द है उन तो मारा, प्यार से बैठता माला दिया आप, माला पहना रहा, वो अच्छी बात है। प्यार से बैठ के माला पहना? हाँ जी। मारने का आप भी विरोध कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, मारने का लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं थप्पड़ मारने की घटना? थप्पड़ मारना उचित नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनके कृत्य, जैसे भाई साहब ने बताया, कृत्य ऐसे हैं। और दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो, आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अपना रोष ही निकालता तो जूते की माला पहना के जब थप्पड़ मारता, ना कि फूलों की माला पहना के थप्पड़ मारता। हाँ जी, तो हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी क्या राय है कन्हैया कुमार को कल थप्पड़ मारा गया है, सियासत शुरू हो गई है, आप लोगों की सीट इतनी हॉट सीट बन गई है? ऐसा था, लोगों के सबके अपना अपना विचार है, विरोध करने का सबका अपना अपना तरीका है। हम लोगों ने तो, हमें पता है कन्हैया कुमार ने जैसे भड़काऊ नारेबाजी करी थी JNU के अंदर, दुख हमारे अंदर भी है, रोष हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसका जवाब बटन दबा के देना चाहते हैं, भाजपा को वोट दे के हम इनका विरोध करना चाहते हैं। अब जिस व्यक्ति को जैसा उचित लगा उसने वैसा जवाब दिया, उसकी अपनी निजी राय। रोष है लेकिन आप कह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से रोष? हाँ, डेमोक्रेटिक तरीके से हम बटन दबा के उसका विरोध करेंगे, ना कि मारना उचित था नहीं वैसे, लेकिन बाकी उसकी अपनी इच्छा, हो सकता है इसी ने पैसे देके उसे बुलवाया होगी, भैया मेरा मार दियो थप्पड़ बीच में। अच्छा, ये भी आप लोगों के कयास है? हाँ जी 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 बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल के साथ भी पहले ऐसे ही हुआ है। हाँ। और अब के भी इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, माला बना के उनके भी थप्पड़ मारा था, माला बना के इनके भी थप्पड़ मारा है। आप युवा हैं, बताइए क्या आपकी राय है, जो थप्पड़ मारा गया है किस तरीके से वाक्य को देखते हैं? जी, सबका स्वागत करने का तरीका अलग अलग होता है, उस भाई का तरीका एक अलग होगा, उसने अपनी नॉर्थ ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आके उसने जो स्वागत किया है उसका एक तरीका अलग है। लेकिन जैसे हमारे आदर्श लोग या भावी लोग बता रहे हैं, बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, हम हाथ उठाने पे विश्वास नहीं करते, हम बटन दबाने पे विश्वास करते हैं, जो हम आने वाले 25 मई के दिन हम वो बताएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे बटन के रूप दबा के। कन्हैया कुमार कह रहे हैं BJP के इशारे पर ये सब हो रहा है, चुनाव से डर गई है BJP, आप लोग मतदाता हैं यहाँ के, क्या माहौल है यहाँ का और इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव पे तो मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं जो भी ताज़ा वाक्या है उस पर बात कर लेता हूँ, जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया। देखिए, अगर आप इस पूरी घटना को समझना चाहते हो तो मुझे केवल 1 से 1.5 मिनट का पूरा समय दीजिएगा। क्या था, जब हम छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को बड़े देशभक्ति के प्रोग्राम होते थे हमारे स्कूलों में, एक बहुत बड़ा गाना भी है आपने सुना होगा, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के मन में देशभक्ति डाली जाती है और सेना के प्रति सम्मान डाला जाता है। हमारे यहाँ चाहे कोई कांग्रेसी हो, चाहे कोई भाजपाई हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का आदमी हो, सेना से सभी प्यार करते हैं। ये जो कन्हैया कुमार है, इसने, आपको याद होगा, एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि जो देश में, जो कश्मीर में सेना है, वो सेना औरतों के बलात्कार करती है। आप मुझे बताइए, आप चाहे किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हों या यहाँ जितने भी लोग खड़े हों किसी भी विचारधारा के व्यक्ति हों, क्या हम में से कोई ऐसा सपने में भी सो सकता है कि जो सेना है हमारी, जो हमारी सेवा कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सलामत खड़े हैं, वो औरतों के बलात्कार कर सकती है क्या?
जो व्यक्ति सेना के प्रति इस तरीके के बयान देता हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भरी हुई है। और आप ये समझिए कि नफरत दिखाने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। कोई वोट दे करके नफरत दिखाएगा, कोई गाली दे करके नफरत दिखाएगा, तो कोई ना कोई थप्पड़ मार के भी नफरत दिखाएगा। हमें तो अंदेशा था इस तरीके का पहले से ही कि ये घटना घट सकती है, और ये घटना घट गई। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि असेंबली के अंदर भगत सिंह ने जब बम फोड़ा था तो बम क्यों फोड़ा था? बम इसलिए फोड़ा था कि जो गूंगी और भैरी जो सरकार थी ना, उसको सुनाने के लिए वो धमाका ज़रूरी था। इसी तरीके का ये थप्पड़ जो है एक धमाका है, ये कांग्रेस को सुनाने के लिए ज़रूरी है कि अगर इस तरीके के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा जो सेना को गाली देते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उसके साथ इसी तरीके का जो है बर्ताव किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है सर कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, आप लोगों की लोकसभा में अव्यवस्था फैलाई जा रही है क्योंकि कन्हैया कुमार चुनाव जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई लाभ नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि वो जीत रहे हैं, वो तो कहीं फाइट में नहीं है। अच्छा। और ये जो अभी कहा है कि ये हमें भी संदेश आया है कि जो थप्पड़ की बात बता रहे हैं, और हमने पहले विरोध किया कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, कि उन्हें ऐसा ना हो कि वो थप्पड़ भी जानबूझ के लगवाया हो, क्योंकि इनकी पार्टी की परिपाटी रही है कि लोगों को लाइट में आने के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि एकदम दिखा दो कि मुझे मार दिया जी, मुझे फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। और यहाँ बीजेपी पार्टी को या जो कैंडिडेट है मनोज तिवारी जी, उसका उससे कोई मुकाबला नहीं है, कहीं भी पासिंग भी नहीं है उनके है। लेकिन बताने की बात है अभी। आप किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? कल देखा आपने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया है? मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने बाद में मेरे को पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी कोई घटना हुई है। अगर किसी का विरोध भी जताना है किसी के प्रति, तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, उसको हम सीधे तरीके से हम जवाब अगर बटन के द्वारा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के प्रति भी है, मनोज तिवारी जी के प्रति भी है तो भी, और कन्हैया कुमार के प्रति है तो भी, अगर हम कानून हाथ में लेंगे तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें हमारे कानून की और हमारी जो अदालत है, जो कोर्ट है, उसकी मान मर्यादा की अवहेलना होती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत गलत मानता हूँ, थप्पड़ मारने को बहुत गलत मानता हूँ। जिन्होंने थप्पड़ मारा है उन्होंने वीडियो भी जारी किया है, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी छवि है, इसलिए हम लोगों ने काम किया। बयान के बारे में तो आज की डेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बीजेपी के ही एक बड़े लीडर हैं, सांसद हैं, उनकी मिसिज है, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, उनकी मिसिज ने राष्ट्रीय चैनल पर आके कहा कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए जो कन्हैया कुमार का जो ये वक्तव्य जो उन्होंने बोला है या जो भी है, ये सब गलत है और कोर्ट में विचाराधीन ये केस चल रहा है, तो जब तक साबित नहीं हो जाता आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी वाइफ राष्ट्रीय चैनल पर आके कह रही है कि ये जो बयान है ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जब तक कोर्ट में ये केस है तो इसके बीच में बोलना ठीक नहीं है। ये कुमार कह रहे हैं कि मनोज तिवारी डर गए हैं, बीजेपी के इशारे पर हमला हो रहा है, आप आम पब्लिक हैं, क्या आपका इस पर राय है? क्या बीजेपी के इशारे पर हुआ है? किन लोगों ने मारा है? क्यों मारा होगा? क्या सोचे? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी के इशारे पर ये काम हुआ होगा या मनोज तिवारी जी ये काम कर सकते हैं, ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार ये फाइट आसान नहीं है। अगर हॉट सीट का इसे नाम दिया गया तो इसलिए दिया गया क्योंकि टक्कर है, हॉट सीट है, इसलिए ही नाम दिया गया इसको। टक्कर है सीट? हाँ, बिल्कुल है, टक्कर है सर, बिल्कुल है जी। देखिए, मेरे अनुसार तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस ने ये सीट जो है वो मिठाइयों के साथ परोस दी है भाजपा को। टक्कर है हमारे, आप क्या कहते हैं टक्कर है? किस तरीके से इस थप्पड़ कांड को पूरे को देखते हैं? मैं आपको आपकी इस बात का दो तरीके से जवाब दूंगा। पहला तो कोई भी काम, कोई भी आदमी कहाँ खड़ा होता है उस पर डिपेंड करता है। मैं शराब के ठेके पे खड़ा हूँ तो दारू लेने खड़ा हूँगा, मैं मंदिर में खड़ा हूँ तो पूजा करने के लिए खड़ा हूँगा। अब मैं किसके साथ उठता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, बचपन में हमें सिखाते थे, अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छी सोहबत में रहो, ठीक है जी। अब यहाँ सोहबत किसकी मिली? आप वालों की। उनका जो मुखिया है वो वैसे ही चाटाधारी है, पैसे दे करके चाटे लगवाता था। आपने देखा कहीं आज तक कोई मुकदमा हुआ हो जो चाटाधारी थे, किसी को सजा हुई हो? नहीं सुना ना। अब वही स्टंट इसको सिखा दिया कि बेटे तू भी दो तीन थप्पड़ खा ले, मौज आ जाएगी। अभी अब दूसरा आप कह रहे हैं कि साहब ये तरीका कैसा है, तो तरीके की बात ये है साहब, एक उबालना होता है उबालना। अब मान लो पानी उबालें, आप बर्तन में इतना खाली छोड़ दें बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का वो स्वभाव है कि कितना उबाल लो वो बेचारे बाहर नहीं आते, लेकिन दूध का स्वभाव है कि जरा सा वो थोड़ा सा हीट पाएगा और वो तुरंत बाहर निकल के आएगा।
तो दूध जो है वो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं वो हर तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है और देंगे। मैं कहता हूं देना चाहिए, ऐसे देशद्रोही को, देशद्रोही को थप्पड़ ही नहीं लात जूतों से मारना चाहिए। थप्पड़ मारने का समर्थन करते हैं आप यानी? बिल्कुल समर्थन करता हूं मैं इसका। वो तो मेरे सामने नहीं आया नहीं मैं मारूंगा, क्या बात कर दी आपने भाई साहब। लेकिन लोकतांत्रिक देश में सर कहते हैं बटन दबा के विरोध जताना। कौन सा लोकतांत्रिक देश, जब मेरे देश के टुकड़े होने के लिए वो गा रहा था वहां पर, तब लोकतंत्र नहीं याद आता उसको? तब लोकतंत्र कहां चला गया था? जब सेना को बलात्कारी बताता तब उसको नहीं आता था? जब वो देश के टुकड़े करने की बात करता था तब याद नहीं आता उसको? तब लोकतंत्र कहां चला गया था? जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसी भाषा, जिसको जैसा समझ में आएगा हम वैसा समझाएंगे। हम इस देश के वो नागरिक हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं। अच्छा आपसे एक निवेदन है, इसलिए हमारे से तो कम से कम ये ना पूछा जाए कि साहब लोकतंत्र। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि डर गए हैं बीजेपी वाले, मनोज तिवारी वाले, इसलिए ये सब काम। चलो मान लिया उनकी बात, वो ये कहते हैं कि भाई ये बीजेपी वालों ने कराया और मारा है, तो डरने वाला थप्पड़ मारता है क्या? डरने वाला तो भाग जाता है। आपने कभी सुना है क्या डरने वाला थप्पड़ मारने आएगा? जल्लाद भी मिटा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं लोकसभा जीत रहा हूँ, युवा मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, बीजेपी हार रही है इस लोकसभा के, इस हॉट सीट को, दिल्ली की सबसे हॉट। मेरे क्षेत्र में उसकी आने की हिम्मत तो हो नहीं रही, मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत तो हो नहीं रही उसको, हैं? वो वोट ले लेगा। स्टंट से वोट कभी नहीं मिलते, और अगर एक बार गलती से किसी को मिल गए तो ऐसा नहीं है कि बार बार मिलेंगे, कि वही रिपीट दोहराते रहो और आपको वोट मिलता रहेगा। आप कन्हैया कुमार के बारे में अगर कोई गलतफहमी पाले हुए तो बहुत गलत है। कन्हैया कुमार का ये एब्सोल्युटली मैं कह रहा हूँ कि ये स्टंट है, और इस स्टंट के लिए उसने कुछ ना कुछ पे किया होगा। तो वो लोग हैं सब कुछ पे, पैसा देते हैं और काम करवाते हैं। अभी तो एक थप्पड़ लगा है इलेक्शन में, मतलब प्रचार में, तो अभी चार दिन बाकी हैंगे, हो सकता है एक दो बार और लग जाए। हो सकता है आप हत्या ही करवा दो। स्टंट आपने कहा कि समर्थन करते हैं आप, थप्पड़ का समर्थन करते हैं, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? कोर्ट की क्या जरूरत है? कानून की क्या जरूरत है? फिर हत्याएं करवाओ, फिर चुनाव तो और भी कई लोग लड़ नहीं, चुनाव क्यों करवा रहे हो फिर? सारे कानूनी बताइए ना। देखिए साहब, हत्या तो हम तब करेंगे, हत्या करेंगे, सुनिए, हत्या तो हम तब करेंगे, पहले सुन लीजिए भाई साहब, हत्या तो तब हम करेंगे जो जिंदा हो। किसी मरे को मारा जाता है क्या? जो आदमी राष्ट्र को गाली दे चुका हो, जो आदमी सनातन को गाली दे चुका हो, जो आदमी अपने देश की संस्कृति को गाली दे चुका हो, वो जीवित है क्या? मरे समान है। और ऐसे मरे आदमी को क्या मारना? हाँ, इतना जरूर है कि अगर लाश पड़ी है तो भाई ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा, जैसे उसके लिए थप्पड़ मारा गया तो दो जूते मार के निकल जाते। मुद्दों पर बात करो कि मनोज तिवारी जी ने क्षेत्र के अंदर में काम किया है या किस चीज पे वो वोट मांग रहे हैं? क्षेत्र के अंदर काम किया है नया कन्हैया कुमार तो यही कह रहे हैं कि काम नहीं, नया अस्पताल बना है कोई क्षेत्र? एक मिनट, क्षेत्र के अंदर कोई नया अस्पताल बना है? नहीं बना। मंडोली में स्टेशन बनना था, बना है? फ्लाईओवर बनने थे, बने हैं? अंडरपास बना है? झील का काम है, करोड़ों रुपए खाए अभी तक, बना है? कुछ हुआ उसमें? अब जनता समझ चुकी है मनोज तिवारी जी अच्छे तरीके से हारेंगे, ठीक ठाक तरीके से हारेंगे। बौखलाहट ऐसी है उनके कि कभी थप्पड़ लगवाएं या कुछ भी करें, भाई साहब हारेंगे। देखिए, जो यही बात जो ये कह रहे हैं, वही बात कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि मनोज तिवारी काम के मुद्दों पर उनसे डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब स्टंट करवा रहे हैं। मनोज तिवारी को अगर आप कन्हैया कुमार के सामने बिठा देंगे तो डिबेट कर नहीं पाएंगे, मुद्दों पर डिबेट कर नहीं पाएंगे। सुनो और एक चीज और बता दूं, मनोज तिवारी जी पता क्या कर सकते हैं? गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, बियर बेबी पी के डांस सुना आपने उसका? ये काम कर सकते हैं। चलो ये प्रोफेशन हो गया, मान लिया उनका पहले प्रोफेशन था, मान लिया, थोड़ा सभ्यता भी होनी चाहिए मनोज तिवारी जी में। श्वेता तिवारी जो एक्ट्रेस है वो ये कहती है कि आप पप्पी हो, कुत्ते के पिल्ले हो आप, और एक अध्यापिका से जो उनसे कहता गाना गाने के लिए कह रही है श्वेता तिवारी कि आप एक बार मेरे को ये गाना गा के दिखा दो जरा,
आप सांसद के पोस्ट पे हो और वो कह रही है और आप गा रहे हो और वो आपको पप्पी भी कह रही है। एक अध्यापिका ने किसी फंक्शन में, स्कूल के फंक्शन में ये कह दिया कि सर आप एक गाना गा देते हो, एक सेकंड आप समझ के देखिए, किसी लेडीज के साथ में हमारे घर की बेटी भी हो सकती है, स्कूल के अंदर पढ़ सकती है। नहीं नहीं, आप मेरे को पूरा बोलने दीजिए अब, और ये दिखाना भी, ये काटना भी मत, यही बताना कि हमारे घर की बेटी भी हो सकती है, ये कह सकती है। चलो कह दिया उसने कि सांसद जी एक आप कोई छोटा सा, जैसे आप कहते कोई भी कह देता है, आप उसको ये कह देता कि आप ये बात ठीक नहीं है, मैं एक सांसद हूँ, आप ये बाद में कह सकते थे मेरे से, लेकिन उसके बाद में मेरी बात सुनिए आप, क्या मर्यादित थे वो, उनकी लैंग्वेज सही थी, जो एक अध्यापक की, जो एक अध्यापिका की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। अरे मुंह से ही तो बोला है, तो अब वो बता रहे हैं मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं कर रहे हैं मनोज तिवारी, इसलिए मुद्दे ऐसे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा, अब 10 साल में इन्होंने दो केंद्रीय विद्यालय बना दिए, एक खजूरी में बन रहा है, दूसरा शाहदरा में बन चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। कि क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी? ऐसा होता है डिबेट करने के लिए ना, सामने लेवल का व्यक्ति देखा जाता है, स्तर होता है अपना, वो डिबेट से डरते हैं और इसलिए कहते हैं स्तर की बात, स्तर के लेवल की बात मत करना, इस बार मुगी खानी पड़ेगी बीजेपी। हम चैलेंज कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कन्हैया को हमारा अगर मेरे से डिबेट कर लेगा ना, तो हम तिवारी जी को कह देंगे बैठ जाओ। हाँ जी, मैं भाई साहब एक बात बताऊंगा आपको, सुनो भैया, माइक पकड़ के हम भी जवाब दे सकते हैं। ये कांग्रेस की झुंझलाहट है, कांग्रेस की झुंझलाहट है ये, जो माइक पकड़ के सोच रहे हैं कि मेरी सुने, सामने वाले की सुने ना, अब ये मेरा माइक हो गया, मैं ही बोलूंगा, तो ये संभव नहीं है। मुद्दे का काम है, मुद्दे के काम हुए। मेरी एक बात, एक मिनट भाई साहब शांत, ये जो थप्पड़ को मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं आपको इस मुद्दे को एक सेकंड में खत्म कर देता हूँ। देखिए कांग्रेस, एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस तो गांधी जी की पार्टी मानी जाती है, गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्या दिक्कत हो गई, अभी तो एक ही लगा है, अभी चांद भाई साहब एक मिनट, आप बहुत बोल रही है, थोड़ा सा मुझे बोलने दो, अभी एक थप्पड़ लगा है, आने वाले समय में चार भी लग जाए ना, कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ FIR भी नहीं करानी चाहिए, भाई को माला पिलानी चाहिए कि एक थप्पड़ ही तो मारा, दूसरा और मारो, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात और है, अभी बात हो रही थी मुद्दों की, तो मुद्दों पर अब मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ आपको, काम क्या हुए हैं क्षेत्र के अंदर। यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर पहले मेट्रो नहीं आती थी, शाहदरा में मेट्रो थी, अब मेट्रो मौजपुर भी आ चुकी है, अब मेट्रो गोकलपुरी भी आ चुकी है, और वही मेट्रो विस्तार होकर के हर्षविहार तक पहुँचने वाली है। दूसरी बात, सिग्नल फ्री हो रहा है पूरा का पूरा वजीराबाद रोड, आप पूरे क्या नाम है हर्षविहार से लेकर के गाजियाबाद में लगता है हर्षविहार, वहाँ से लेकर के और सीधा वजीराबाद जा सकते हो बिना किसी सिग्नल के, पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, काम कंस्ट्रक्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ट्रिपल डेकर रोड है वो, नीचे सड़क होगी, बीच में मेट्रो, नीचे सड़क होगी, बीच में फ्लाईओवर होगा, ऊपर मेट्रो होगी। क्षेत्र के अंदर 3 केंद्रीय विद्यालय दिए गए, 2 बन के पूरे हो गए हैं, तीसरे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये अस्पतालों की बात कर रहे हैं, यहाँ ये कोई मनोज तिवारी का चुनाव नहीं हो रहा भाई साहब, ये चुनाव है देश का, देश के अंदर जितने एम्स पिछले दस सालों के अंदर बने मोदी जी के राज में, कांग्रेस ने कितने बनाए? नहीं बनाए। IIT कितनी बनी? बीजेपी ने बनाई। एम्स, हाँ आप जाकर के गूगल सर्च करो भाई साहब, हंसने से काम नहीं होगा, जितनी IIT कांग्रेस ने 60 साल में बनाई उससे ज्यादा IIT बीजेपी 10 साल के अंदर बना चुकी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। भाई साहब मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात, एक मिनट भाई साहब, मेरा गांव यहाँ से 77 किलोमीटर दूर है मात्र, बुलंदशहर में 3.5 घंटे लगते थे जाने के, एक मिनट भाई साहब, 3.5 घंटे लगते थे, 80 किलोमीटर 3.5 घंटे में पहुंचता था, आज 1.25 घंटे में पहुंचता हूं, 2 घंटे बचते हैं, रोजगार नहीं मिलेगा मुझे, तो मुद्दे भी बहुत है, काम भी किया है। और रही बात थप्पड़ मारने की ना भाई साहब, वो मुद्दा खत्म हो गया, कांग्रेस तो एक थप्पड़ के बाद दूसरे थप्पड़ की बात करती है। इंसिडेंट सही है ना, इनको कुछ नहीं करना चाहिए, अभी 2 तारीख को वापस जेल में जा रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए, ये बाहर आए हैं सिर्फ बेल पर आए हैं, इनके वापस अंदर जाएंगे। कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा गया है इसको आप सही मार, अरे एक नहीं इनको 2 नहीं इनको 4 मारने चाहिए, ये ऐसे लोग हैं, ये देखिए जाहिर सी बात है कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा है और इस लोकसभा के अंदर लोग हैं अपनी बात रख रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि कन्हैया कुमार के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसका जवाब डेमोक्रेटिक तरीके से दिया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए, वहीं कुछ एक लोग हैं जो इस इंसिडेंट को पूरी तरह गलत ठहरा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।